टॉक रेस्टोरेंट में आप सबका स्वागत है। हाय हेलो एंड वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। हम पहुंच गए हैं वेज खाने बिल्कुल दोपहर चिलचिलाती धूप में, और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ है अलग सा। और ये यहाँ का मेन्यू का तो बस मैंने आपको ऐसे ऐसे दिखा दिया। हमारा मकसद है यहाँ का वेज थाली खाना। हो गया तेरा स्माइल देना खत्म हो गया ना, अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ ना वीडियो पे। बिना एक पल भी गवाए ये देखिए वेज थाली बिल्कुल सामने गर्मा गर्म पेश हो चुका है। और जैसे कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं राउरकेला को, तो ये बिल्कुल स्पेशल आप कह सकते हैं ओडिया डिश इसमें है। और थाली को सुंदर बनाने के लिए ये इस पे ऐड हो गया ये पापड़। वाह वाह वाह। एनीवे सबको अपना अपना थाली दे दिया गया है, तो हमारी बारी अब आ गई है, हम करते हैं शुरू। आनंद लोक के वेज थाली में सबसे पहले है ये पनीर की सब्जी, नेक्स्ट ये है खीर, ये है दाल, ये बड़ा सा पापड़, पहले इसको हटा देती हूँ, ये है हरी सब्जी फ्राई, इसको हम लोग सागो भजा बोलते हैं, ये आलू की सब्जी, ये है टमाटर की चटनी, ये है दही, ये सलाद और ये मिक्स्ड वेजिटेबल। दावत की शुरुआत मैं करना चाहूँगी इस सागो भज्जा से। ये कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है जो तेल के तड़के में अच्छे से फ्राई किया जाता है, इसके पानी को बिल्कुल सुखा दिया जाता है, फेंकना नहीं, ड्राई कर दिया जाता है अच्छे से। अगर इसको आप हिलाते जाएंगे कढ़ाई में ना, तो इसका पानी इवेपोरेट हो जाता है। और फिर थोड़ा सा नमक डालकर स्वाद अनुसार, जी स्वाद अनुसार बस तैयार है। और अब मैं चख रही हूँ दाल, यहाँ की दाल कहूँ तो बिल्कुल दाल है, थोड़ा सा फीका। अक्सर जब मैं इस तरह के रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाती हूँ तो मैं अपनी तरह से रिव्यू देती हूँ, और ये बिल्कुल पर्सनल होता है, किसी प्रेशर के अंडर पे नहीं है। और ये इसलिए देती हूँ ताकि आपको एक अंदाज़न मिल सके कि भैया क्या स्टैंडर्ड है इस रेस्टोरेंट की, खाने के आधार पर या यहाँ के क्लिनलीनेस के आधार पर। चलिए चलते हैं फिर। एम्बियंस के लिए मैं इस रेस्टोरेंट को रेट करूँगी 3.5 out of 5। अगर गर्मी को इग्नोर कर दे तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही प्यारा है। फूड के लिए मैं देना चाहूँगी 3.5 out of 5, अच्छा है, एवरेज है, डिसेंट है। यहाँ के सर्विस के लिए मैं देना चाहूँगी 4 out of 5, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही वॉर्म है, इसमें बहुत ही अपनापन है। वैरायटी 3.5 out of 5, समझ ही सकते हैं क्यों मैंने ऐसा दिया, ठीक है, नॉर्मल एवरेज वैरायटी है, बहुत ही हाई फाई कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ, बट जो है बुरा भी नहीं है। हाइजीन के लिए मैं देना चाहूँगी 3.5 out of 5, अच्छा है, बहुत ही सारी जितनी सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और अब बारी आती है प्राइसिंग की। अक्सर मेरे सारे ब्लॉग में सब पूछते हैं कि भाई थाली का रेट क्या है, मैं रेट बताती हूँ, प्लीज़ गौर से अगर पूरा ब्लॉग देखेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ प्राइसिंग है स्पेशल थाली ₹120, और अगर आप पार्सल लेते हैं तो ₹130। यहाँ पे पोखाड़ भी है, मगर ये नेक्स्ट टाइम के लिए। और 120 में इतनी बेहतरीन थाली हो तो प्राइसिंग की रेट मैं 4.5 out of 5 ही दूंगी। थाली का कॉस्ट यहाँ 120 है, और एक्स्ट्रा आपको अनलिमिटेड में चावल, दाल और एक आलू की सब्जी है वो मिल जाएगा, बाकी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं, तो सोच समझ कर। चटनी में पसीना बहुत है, गर्मी बहुत है, क्योंकि एसी ऑन नहीं है और फैन में कितना चलेगा, गर्मी तो आएगा ही। मीठा खा के गर्मी कम करने की कोशिश। हाँ, तो कैसे आपको बातों ही बातों में लगा कर मैंने अपनी थाली चट कर दी। देखिए ये बिल्कुल ख़त्म है, अब मैं थोड़ा सा सांस ले रही हूँ, और बाकी सब भी बस उसी ओर जा रहे हैं। ये नट्टू थोड़ी सी लेट है, बट हो जाएगा, ख़त्म हो ही जाएगा। बिना प्याज लहसुन का
सारा खाना यहाँ मिला है। और अब हमने ऑर्डर किया है आनंद लोक का एक स्पेशल लस्सी, 80 रुपीज़ पर लस्सी है। देखते हैं कैसा है, टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ का ख़राब है, अंधेरा अंधेरा जैसा। तो इसी मीठे के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, कुछ और एपिसोड्स बचे हैं राउरकेला एक्सप्लोरिंग के। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।